प्रभु भरोसे रेल कल कैसे दौड़ेगी, बात इसी की है। और मान साहब, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ, आपसे समझना चाह रहा हूँ इस मसले को कि हम सुरेश प्रभु से क्या उम्मीद कर सकते हैं कल। देखिए, पिछले कई सालों से लगभग 94 से जो भी रेल मंत्री बने हैं वो मेन पार्टी के न होकर दूसरी पार्टी के रहे हैं, और उनके टाइम पर रेल का किराया न बढ़ाना, पॉलिटिकल कंपल्सन होना, वो रेल को बहुत पीछे ले गया। और जब से ये 2013 के बाद में जो मेन पार्टी के जो रेल मंत्री बने हैं और 2014 में जो रेल किराया बढ़ाया, ये पिछले 10 साल से जो नहीं बढ़ाया था उसका एकदम से रिपरकशन एक साथ आया है। तो उसके आने के बाद में रेलवे में कुछ पैसा आना शुरू हुआ है और रेलवे में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू हुआ है, अदरवाइज़ बहुत सारी जगह परियोजनाएं नहीं हो पा रही थी, घोषणाएं हो रही थी वो नहीं हो रही थी। और हमें खुशी है इस बात की कि पिछले साल जो रेल बजट प्रभु जी ने पेश किया उसमें लगभग 140 घोषणाएं उन्होंने की थी। एक टेक्निकल सवाल है, ऑपरेटिंग रेशियो इस बार कम करने वाले हैं, 92% से 90% पर लेकर आने वाले हैं, 10% मुनाफा चाहते हैं सुरेश प्रभु, इसके बदले क्या ये घाटे की भरपाई कर पाएंगे? बिल्कुल, ऑपरेटिंग रेशियो जो है एक टारगेट होता है, जितना कम से कम हो सके उसको किया जाए ताकि रेलवे में जो है उतनी आमदनी बढ़े, वो पैसा जो इकट्ठा होता है वो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम आए, रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम आए। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो कम करना हर रेल मंत्री का एक प्राइमरी उद्देश्य होता है। आम आदमी को लग रहा है डीजल सस्ता हो रहा है, ऐसे में आप कह रहे हैं कि भार बढ़ सकता है, किराया बढ़ सकता है? डीजल जरूर सस्ता हुआ है, लेकिन हमारे साथ दूसरे जो है, हमारे स्टाफ कॉस्ट बढ़ रही है, अब 7th पे कमीशन आएगा तो और खर्चे बढ़ेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं रेलवे में नई नई दी जा रही है। आज जयपुर के अंदर एक VIP लॉन्च बना है, ऐसे ही लॉन्च जो है दूसरे बड़े स्टेशन पे बनाए जा रहे हैं, और एक नया प्रोजेक्ट और अभी 400 स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने का आया है, जिसमें लगभग 25 स्टेशन अपने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के हैं जिनको कि रीडेवलप किया जाएगा, नए तरीके से उनको साज सज्जा की जाएगी। तो इस साल जो हमारा जो अर्निंग का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, इस बार अर्निंग जो हमारी रेलवे की कम ही हो रही है, 3.77% कम आया, जो टारगेट से कम हो रहा है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है कि जब हमारा आमदनी कम है तो हमें खर्चा कहीं कम करना पड़ेगा, और अभी हम सब लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इतनी गिरी है, तो मेरा ये मानना है कि किराया बढ़ाना इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना तो किराया बढ़ना चाहिए भाड़े का, माल का, ना बढ़ना चाहिए इसका, सवारी का। रेलवे हमेशा एक तंत्र, ऐसा तंत्र है जो कि एक वॉल्यूम पे चलता है, मतलब संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जैसे आज हमारा माल बढ़ा है। सुरेश प्रभु अपना मैनेजमेंट दिखा पाएंगे इसमें, आपको लगता है ऐसा कामयाब रहेंगे कि पैसा भी आ जाए और किराए में इजाफा भी ना हो? अभी आप एक मान जी से आप प्रश्न कर रहे थे ऑपरेटिंग रेशियो का, आपने बताया कि 92 का टारगेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10-15 साल ये ऑपरेटिंग रेशियो 76 था, जब हमारे लालू प्रसाद जी जब हमारे रेल मंत्री थे तो 76 पे भी उस समय रेल चमक रही थी, हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ रहा था। आज हमारा माल भाड़ा जो है ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो माल का जो ढलान है वो घट गया है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है, जैसे हमारा DMIC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को बहुत तेज करने की जरूरत है। उस प्रोजेक्ट में क्या होगा, मालगाड़ी की स्पीड 3 गुना बढ़ेगी, 100 किलोमीटर पर चलेगी मालगाड़ी, 3 गुना वजन ज़्यादा कैरी करेगी, तो आदमी जो आज हमारा जो फ्रेट कस्टमर है हमारे से दूर हो रहा है उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, उसका 1/3। बाबूलाल गुप्ता जी आपके बगल में बैठे हैं, उनको लगता है कि क्या सड़क से तुलना में आप रेल पर भरोसा करेंगे? कैसे करेंगे भरोसा, 70% माल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का चला जाता है, जो 70% जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो देखती रहती हैं पीस मील बुकिंग है ही नहीं, हर गवर्नमेंट यही कहती है पीस मील बुकिंग चालू करेंगे। अगर इन छोटी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट देना यानी भाड़े के अनुरूप नहीं जब तक चालू होगा, तब तक इकोनॉमी तो सुधारना दूर रहा, और इनकी जो ये धीरे धीरे जो भाड़ा घटता रहा है ना, भाड़ा आने का वो और घटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जो हाई स्पीड गुड्स ट्रेन होंगी, हाई स्पीड गुड्स ट्रेन तो दूर रही, प्रीमियम ट्रेन ही नहीं चली अभी, तो प्रीमियम ट्रेन तो चले हमारी अगर डबल डेकर ट्रेन अभी जो चलती है वो 110 पे चलती है, इसके अलावा कोई भी 120 पे 130 पे एक कोई ट्रेन दौड़ाई है वहाँ गंगानगर से कहीं 143 किलोमीटर पर ट्रैक हिलने लग गया, वो बात आई नहीं सामने। तो ट्रैक तो तैयार करें उसके बाद में तो बात करें हाई स्पीड ट्रेन की, पहले ट्रैक ही तैयार नहीं है हमारा, ट्रैक इस स्थिति में नहीं है। और इसके अलावा हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन चलाने की, और भाई ये जयपुर के और दिल्ली के बीच में बुलेट ट्रेन चल जाएगी, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत आम आदमी के लिए क्या हो सकता है बेहतर? भंवर सिंह जी मैं आपका रुख कर रहा हूँ, आम आदमी की क्या उम्मीद है आज रेल से? मैम खामियां आपने गिना दी, लेकिन खामियां नहीं, मैं उम्मीदों को जानना चाहता हूँ। राजस्थान को जो है देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई होना चाहिए, दिल्ली से जो जयपुर का ट्रैक है वो बिजली
आधारित होना चाहिए, सवाई माधोपुर जयपुर को जोड़ा जाना चाहिए, टोंक को रेल सेवा से जोड़ा जाना चाहिए, रहा डबल लेन सिस्टम डबल लेन सिस्टम भी चलना चाहिए, इधर जो है जोधपुर तक जो है लाइन को डबल करना चाहिए इनको, जो काम चल रहा है लेकिन अभी बहुत स्लो गति से काम कर रहे हैं, जितनी घोषणाएं कर रहे हैं उतना हो भी नहीं पा रहा है। इस हालत में जबकि तेल के भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं तो इनको बल्कि सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। अभी ट्रेनों की वो हालत है, मैं खुद आपको अनुभव बताता हूँ, मैं चंडीगढ़ से जयपुर आया, हमारा पंखा नहीं चल रहा था, अभी पिछले अगस्त की बात है, मैंने हर स्टेशन पर अनाउंसमेंट करा दिया, कहीं पर भी जयपुर तक वो पंखा चला ही नहीं, ये कह रहे सुविधा देंगे, मैं हर स्टेशन मास्टर को जहां भी ट्रेन रुकी कहते हैं हर डब्बे में कंप्लेंट के लिए नंबर है, प्रभु जी जाने वो तो क्या कर सकते हैं, प्रभु जी तो कह ही रहे हैं गटरों में लोग यात्रा कर रहे हैं, हालत ये बढ़ रही है। अभी आप सुन रहे ट्रेन में क्या कर रही है महिलाएं कि अपने बच्चे को टॉयलेट तक ले जा नहीं सकते, जनरल कोच की सुविधाओं से आपको बड़ी शिकायत है, जनरल कोच क्या आज रिजर्वेशन क्या, फर्स्ट क्लास में भी आप जाओगे तो वही हालत है, खटमल मिलेंगे, फर्स्ट क्लास वाले भी दुखी है, उनसे भी आप कहोगे जो पैसा देते हैं उसके बाद वो कहते हैं अच्छा होता कहीं और जनरल में चले जाते, तो इतना पैसा देने के बाद भी सुविधा नहीं है। एफडीआई पे कुछ कहना चाहेंगे, पिछली बार बोला था ये एफडीआई क्या है, ये उसी ट्रैक पे जा रहे हैं, सरकार बीजेपी की सब चीजों को प्राइवेट करने की ओर ले जा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ राजस्थान में स्वास्थ्य को कर दिया, शिक्षा को कर रहे हैं, अभी रेलवे को भी भट्टा बैठाएंगे, बिजली को भी कर रहे हैं राजस्थान में, अभी दो आपने देखा था दे दिए पावर प्रोजेक्ट, कोयला ये देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देंगे और मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपति को आपके पास में आ रहा हूं, पैसे को बर्बाद करने पे लगे हुए ये लोग, निजीकरण क्या कर पाएंगे सुरेश प्रभु, उससे कायापलट होगी कहीं, जैसा लग रहा है सरकार का दोहरीकरण का मामला जो है, निजी क्षेत्र में जाने की ज्यादा इच्छा हो रही है इनकी, अब ये कारण समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास में पूरा है, ट्रैक इनके पास में है, स्टाफ इनके पास में है, तो क्यों निजीकरण में जाते हैं। हम जो डिपार्टमेंट कहते हैं, हम तुलना करते हैं एयर से, हम एयर की सुविधाएं देंगे, एयर की सुविधाएं छोड़कर के लोगों के फर्स्ट क्लास सेकंड एसी के डब्बों में कॉकरोच तक ये साफ नहीं कर पाते हैं। कॉमन मैन का क्या सवाल, कॉमन मैन यही चाहता है कि मुझे सुविधा मेरी लायक मिले, उसके स्टेटस के अनुसार उसको सुविधा मिले और यात्रा सुरक्षित हो। आज ट्रेनों के अंदर डकैतियां, स्कैनिंग, फायरिंग, ये सारी सब हो रही है, जबकि रेलवे दावा कर रही है कि हमारी पीआरएफ और ये सब हमारी फोर्सेज है, अलर्ट हैं, हम सुरक्षित आदमी को पहुंचाएंगे। आम पब्लिक सिर्फ से सबसे पहले अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के साथ में गंतव्य स्थान तक अपने सही समय तक पहुंचे, ये उसकी वो उम्मीद है रेल से। अब प्रभु जी के जो दर्शन है और जो प्रभु जी बोल रहे हैं, ये कितना कर पाएंगे इसमें, ये अब आने वाले कल आप कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, मेरे हिसाब से प्रभु जी को किराया नहीं बढ़ाना चाहिए आम पब्लिक के। सुशील असोफा साहब, एफडीआई पर आपकी भी राय जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के फॉर्मूले को लागू करने की क्षमता उस वक्त नहीं दिखी, सुरेश प्रभु ने लास्ट टाइम वो किया। एक बड़ी बात एफडीआई से पहले मैं रिएक्ट करूंगा कि पहले बजट में प्रभु जी ने कहा था कि जो फेयर है जो इसका सवारियों का, वो डीजल की प्राइसेस के साथ लिंक करेंगे हम, ये पहले बजट होना चाहिए जी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप उसका फॉर्मूला बना दीजिए, फिर हर तीन महीने पे रिव्यू कीजिए, लेकिन मैं तो ये जांच की मांग कर रहा हूँ कि रेलवे को डीजल सप्लाई कौन करता है। मेरी जानकारी के अनुसार रिलायंस करता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, और अगर रिलायंस करता है तो रिलायंस क्यों करता है भाई, जब एचपी और इंडियन ऑयल क्यों नहीं करता, तो वो जो फायदा है वो रेलवे को मिले, आम उपभोक्ता को, या स्कूटर कार वालों को, ट्रक वालों को, ट्रैक्टर को मत दीजिए आप, वो तो आपने देश विरोधी काम कर रहे हो करो, जनता विरोधी कर रहे हो करो, लेकिन वो रेलवे को ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, वो रिलायंस क्यों ले जा रहा है उसका, हाँ मतलब ये सरकारी एजेंसी से होना चाहिए। पहला तो नहीं, बजट भाषण की सेंटिटी खत्म हो गई, आपने पहले बजट में कहा कि वी विल लिंक द रेल फेयर विद द प्राइसेस ऑफ एचएसडी, इज इट राइट और नॉट, वेर इज दैट कमिटमेंट, पहला तो ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को अवेयर करना चाहता हूँ कि ये अपने बजट में दिए हुए स्पीच की सेंटिमेंट आपकी बात को क्या मानूं, क्या सुरेश प्रभु अपने किए वादों पर खरा उतर जाए तो इस बार के बजट को कामयाब समझा जाएगा। सवाल ये है कि पहला तो यही है साहब कि डीजल के प्राइस से इन्होंने फेयर को लिंक करने का जो कमिटमेंट किया दो साल से पूरा नहीं किया, क्या उन उपभोक्ताओं को रिफंड करेंगे, नहीं कर पाएंगे आगे तो। अब मेरा सवाल एफडीआई पर बताइए, अलका जी से जवाब ले लेता हूं। बताइए एक बात बताइए, एफडीआई का सबसे बड़ा उदाहरण है इनका बुलेट ट्रेन, 98,000 करोड़ की बुलेट ट्रेन है, 80,000 करोड़ जापान लगाएंगे, 18,000 करोड़ रुपए की एक जेवी कंपनी बनी है जिसमें महाराष्ट्र गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे तीनों की जेवी बनी है, 18,000 करोड़ की इक्विटी उनकी, 80,000 करोड़ जापानी कंपनी की है, मुनाफा कमाएगी जापानी कंपनी, और कितने लोग उसमें सवारी करेंगे, अहमदाबाद से बम्बई, राजस्थान में आदिवासी इलाकों को, डूंगरपुर रतलाम
कि 2100 करोड़ की जो कॉस्ट थी वो 3300 करोड़ हो गई, 20 करोड़ पिछले साल बजट रखा था इसमें खर्च कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री राजस्थान ने लिख के दे दिया प्रभु जी को कि मेरे पास 50% पैसा डूंगरपुर रतलाम को देने के लिए नहीं है। पिछले साल अजमेर कोटा का बजट कितना था, 1000, पुष्कर मेड़ता का 1000, अजमेर नसीराबाद का 1000 रुपये। ये इनकी पिंक बुक है, ये इनकी वेबसाइट से है, मैं नहीं लाया हूँ अपने घर से। इसमें 1000 रुपये इतनी बड़ी रेल लाइन का बजट है। शिकायतों का पिटर है, मैं लौटूंगा इन शिकायतों के लिए लौटूंगा। मैं अलका जी, पहले इतनी नाराजगी है उस पर जवाब चाहते हैं आपसे। दरअसल सुरेश प्रभु सिर्फ वादे करते रहेंगे या पूरे भी करेंगे? वो सारे वादे पूरे होंगे लेकिन उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने हालत कर रखी थी कांग्रेस ने, अभी ये बोल रहे थे कि बिजली विभाग की, जो बिजली विभाग वाला ही केस आप रेलवे का मानिए, इतने समय तक इन्होंने भाड़ा नहीं बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का प्रयास नहीं किया, तो निश्चित रूप से कभी तो शुरुआत करनी थी, अदरवाइज तो ये बिल्कुल गर्त में चला जाता। और सबसे बड़ा हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर इसके अंदर कमियां रह गई तो वो स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि जो विजन है वो विजन सुधार का है। और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर फ्रेंडली हम इस रेलवे को करना चाह रहे हैं ताकि आम जनता को इससे फायदा हो। जो भारतीय रेल सेवा आज तक आम आदमी की सेवा के लिए जानी जाती थी, अब कस्टमर सर्विस के लिए जानी जाएगी? नहीं, वो कस्टमर सर्विस नेचुरली आम आदमी के लिए ही होगी, वो जो भी होगी सर्विसेज वो आम आदमी के लिए ही होगी। और आप जैसा निजीकरण की बात कर रहे हैं तो विकासशील देशों में तो सारी रेलवे का जो नेटवर्क है वो है ही निजी हाथों में। मैं ये नहीं कह रही ना निजीकरण का समर्थन कर रही हूं। फिर भंवर सिंह जी और सुशील जी को बोलने का मौका मिलेगा। बीजेपी का यही तो सबसे बड़ा बात नहीं, निजीकरण की बात आप देखिए, इन लोगों का यही तो चरित्र है, ये विपक्ष में जब बैठेंगे जब कहेंगे कि रेलवे निजीकरण कर रही है और जब ये सत्ता में आएंगे तो वही काम करेंगे। उनका चरित्र जो बोल रही हूं बिल्कुल दोहरा चरित्र नहीं, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम सुधारने के सवाल को बोलते हैं तब ये निजीकरण कर रहे हैं, ये करने का प्रयास कर रहे हैं और काम वही करेंगे, आके खुद भी यही काम करते हैं। लेकिन जो आप बीजेपी का यही तो सबसे बड़ा चरित्र है कि जो कहती है वो कभी करती भी नहीं और उल्टा ही काम करती है, हमेशा पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस पर क्या कहेंगे? सुशील जी को बार बार बोलने का मौका मिला, आपको लगता है कि कांग्रेस राज में रेलवे मिनिस्ट्री ने बहतर काम किया था तब? नहीं, उस समय किराया तो नहीं बढ़ा बहुत सालों तक ना, आम आदमी को तो छोटी बची घाटा हुआ, घाटा है, मान साहब ने कहा घाटा हुआ, घाटा कोई नहीं था। ये तो देखो बीजेपी का हमेशा रोना है, दो साल से यही रो रहे हैं कांग्रेस की वजह से। मान साहब एक्सपर्ट है, मान साहब क्या क्या हुआ दरअसल? देखिए सुशील जी, हम यूनियन से बिलोंग करते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, और जो किराया नहीं बढ़ाना इतने साल का रहा उसका जो रेपरकेशन हुआ सारा स्टाफ के ऊपर हुआ, वो स्टाफ को कम करते गए, स्टाफ की पोजीशन ही हो गई। आज जो ये बिजली के पंखे की बात की कि पंखा ठीक नहीं हुआ, उसकी मेन प्रॉब्लम स्टाफ की कमी होना है हर स्टेशन पे, हर आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम जो है जो कुछ नुकसान भुगतना पड़ा वो स्टाफ को भुगतना पड़ा। आज एफडीआई की बात हो रही है, एफडीआई कर्मचारी नेता है, अरे हम उसका विरोध कर रहे हैं, एफडीआई का हम विरोध कर रहे हैं और हमारी यूनियन की तरफ से एफडीआई का टोटल विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले आज कोई देखने वाला नहीं है, ट्रेन के अंदर सफाई नहीं है, झाड़ू नहीं है, आज पैसा ले रहे हैं, पहले भी यही हाल था, आज भी वही हाल है। सब भगवान का भरोसा है, प्रयास करना कुछ नहीं होता, कर कुछ नहीं रहे, प्रयास क्या होता है? दो साल से प्रयास ही कर रहे हैं, दो साल से बाबूलाल जी के पास जा रहा हूँ। बाबूलाल जी आप बताइए, क्योंकि मैं ब्रेक का कॉल है, ब्रेक के पहले आप और इनकिया साहब की भी राय लेना चाह रहा हूँ। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि सही कह रहे हैं वो खाने की बात, तो वो उसमें मिठाई आती थी पता नहीं कहाँ गई, पराठे आते थे वो पता नहीं कहाँ गए, दही आता था पता नहीं कहाँ गए, और उसके बाद में आइसक्रीम देते थे वो पता नहीं कहाँ गए, पानी देते थे वो पता नहीं कहाँ गए। और सही है, 3 रुपए की बोतल पड़ती है पानी की, वो 15 रुपए में बेच रहे हैं तो 12 कहाँ जा रहे हैं? ये तो मैं एक ट्रेड के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 3 रुपए में पड़ती है ये बोतल, ये 12 कहाँ जा रहे हैं? 15 रुपए की खुलेआम नीर नामक रेलवे का पानी बिक रहा है, और क्या, नीर बिकता भी है, और फिर
फिर रेल नीर के मांगे, रेल नीर मांगते हैं तो पता नहीं कौन कौन सी बोतल थमा देते हैं, एक दो का टेस्ट करवाया तो वो बोतलें पानी। कुल मिलाकर, कुल मिलाकर रेलवे को एक उपभोक्ता के नजरिए से देखा और समझा जाना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौट रहे इस चर्चा में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सुरेश प्रभु अपने कस्टमर के लिए सेटिस्फेक्शन का काम इस रेल बजट में कर पाएंगे। देखते रहिए, खास पेशकश जारी है प्रभु भरोसे, रेल आखिर कैसे दौड़ेगी।